फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। और अभी जो है मैं जा रही हूँ अपने एक सब्सक्राइबर से मिलने, जो कि मेरी फ्रेंड है। तो अभी हो रहे हैं 12:30 और वो बैंक में है, कोटक बैंक में है। उन्होंने मुझे कोटक का जो है अकाउंट ओपन करा के दिया है। तो उनके पास जो है मेरी कुछ पिक पड़ी हुई है, तो मैं उस पिक को रिसीव करने जा रही हूँ। और उन्होंने मुझे बार बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए मैं फटाफट जा रही हूँ। अभी मेरे पास जो है 1 घंटा है निशु को स्कूल से लाने में, तो जब तक मैं उनके साथ एक चाय पी के आती हूँ। चैनल जो होने का एक तो फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि हर तरह के लोग दोस्त बनते हैं, अच्छे अच्छे लोग दोस्त बनते हैं। कोई बैंक में है तो कोई कहीं पे भी है। तो मैं जो है उनको एक कॉल कर लेती हूँ और मैं फटाफट जा रही हूँ उनके साथ एक चाय पी कर आऊँगी। और मुझे जो है उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सबको किसी को भी कोटक में अकाउंट ओपन कराना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करना। जिस किसी को भी अकाउंट ओपन करवाना है कोटक में, तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख के भेजना, तो मैं उनको मैसेज दे दूँगी। तो मैं फटाफट जा रही हूँ और पैदल ही जा रही हूँ। ये एक बिल्ली है, सॉरी, सफ़ेद बिल्ली, बहुत क्यूट थी। तो मैंने जो है सूज डाला हुआ है, तो सूज में जो मेरे नाखून है ना, वो बार बार दब रहा है। हाय, आई डोंट नो हु इज सी, बट मैंने हाय कर दिया है। तो मैं उन बैंकर से मिलकर आती हूँ और फिर आप लोगों से कंटिन्यू बात करूँगी मैं। और आज का मेरा लुक सेम है जो कल था, मैंने चेंज नहीं किया है, वही डाल लिया है, क्योंकि मैं एक्चुअली कहीं गई नहीं थी। तो कपड़े जो हैं मेरे गंदे नहीं हैं, साफ है, क्लीन है। तो मैं फटाफट उनसे मिलके आती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। जब हम कैमरे से बातें करते हैं तो लोग, कुछ लोग पागल सोचते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता। गाड़ी वाला है, बार बार गाड़ी रोक दे रहा है और पीछे से धूल उड़ा रहा है, मन तो कर रहा मारो उसको। में मेरे नाखून एक्चुअली पैरों के बहुत बड़े हैं, तो वो शूज़ में है ना, तो दब रहे हैं बार बार। और अभी मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले मैं उन्हें एक कॉल कर लूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग जो है फ़ोन से ही करती हूँ। और ये वाला बैग ही लेके आ गई मैं, नीचे से फट गया है इस तरीके से। लेकिन ये जो है मेरा लकी बैग है, तो मैं मोस्टली इसी पर्स को अपने पास रखूँगी, फेंकूँगी नहीं। तो मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ। तो 2 पैकेट होलसेल में आता है, 3 पैकेट आता है, देख लो। मैं आपको डाल दूंगी सोशल मीडिया पे, नीरज भैया हाय करो, अच्छा मेरे व्यूअर्स को हाय करो, ठीक है। गुस्सा, मैं भी आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं नाइजीरियनों से हाय कर रही हूँ, दूसरे देश के मेरे को उठा ले जाएंगे। बोला कि आपकी बाइक जो है, मैंने उनको बोला आपकी बाइक जो है बहुत अच्छी है, तो बोला हाउ आर यू।
क्यूट भी हैं बट बहुत थोड़े से डेंजरस भी हैं ये लोग। इनकी दोस्ती तो अच्छी भी है बुरी भी है, कौन करना चाहेगा, मैं तो नहीं करना चाहूँगी। तो वो तो आ नहीं रही है, चाहे देना ही अच्छी से देना चाहे तो मैं वो बैंक हाँ तो वो बैंकर तो है नहीं, अब किसी कस्टमर के घर पे गई हुई है। वो बोल रही है मेरे घर पे आएगी मिलने के लिए, चाय पीने के लिए। मैं यहाँ पे आई थी बाहर उससे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा था उसके साथ ही चाय पीऊँगी, बट वो अभी बैंक में नहीं है तो मैं अकेले ही चाय पी लेती हूँ। थैंक यू। तो मैं घर वापस आ गई हूँ और निशु को भी लेके आई हूँ। ये है निशु। मम्मी ये खोलो। अच्छा, तो इसने एक आदत पकड़ ली है डेली ये चम्मच वाला चॉकलेट खरीदने की। पता नहीं ये हेल्दी है या फिर कैसा है, बट अब इसने डेली इसकी रूटीन पकड़ ली है चम्मच वाली चॉकलेट की, क्योंकि ये चम्मच है इसको पसंद आता है। ये क्या है निशु? चम्मच है, चम्मच खाने का चॉकलेट। तो दूसरा भी तो खा सकते हो, पहले स्वेटर निकालो। मैं तो ऐसे ही तो खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो मुझे अगर मैं नहीं अगर मैं मैडम मैडम देखा वो बच्चे को कैसे डांट रही थी, गंदे कपड़े पहन के आया था स्कूल में। ठीक है, अब मैं आपके पानी गर्म कर रही हूँ और आप क्या करोगे? नहाई नहीं करोगे, क्या करोगे? पैंट उतारो। मैं नहीं 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 करूँगा मम्मा। क्यों? बिल्कुल भी नहीं करूँगा। देख रहे हो फ्रेंड्स, कह रहा मैं नहाई नहाई नहीं करूंगा। मैं नहीं 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 करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा फ्रेंड्स लोग को, फ्रेंड्स लोग से पूछो बच्चे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, पूछो जरा। अच्छे बच्चे नहाते कि नहीं नहाते, पूछो फ्रेंड्स लोग से जरा। अच्छे बच्चे नहीं नहाते। अच्छे बच्चे नहीं नहाते, अब बताना आप लोग जरा तो कमेंट्स में मुझे, अच्छे बच्चे नहाते कि नहीं नहाते हैं? जल्दी 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 मुझे कमेंट्स करो। कितना बोलता है ना ये, कह तो दिया नहीं नहाता है, कह तो दिया है नहीं नहाते है। सच बताना फ्रेंड्स लोग, अच्छे बच्चे नहीं नहाते? अच्छे बच्चे नहीं नहाते। फ्रेंड्स लोग क्या पूछ रहे हैं? अबे मैं ठीक है सुसु करके आओ। अबे मैं अभी गलसा के सुसु नहीं करूं मां। पहले हाथ दो इसको दो। मम्मा मैंने हाथ धोए हैं। You are not good with boy na? ठंडा पानी ले। तुम ये तो कह रहा हो मैं ठंडा पानी से नहा सकता हूँ, दिखाओ दूसरा हाथ। ठंडा पानी से हाथ बताओ। और बताओ लेमन जूस पियोगे कि क्या पियोगे? जूस पियोगे। ठीक है रुको। फिर तो ठीक है मम्मा। जूस पियोगे? जूस पियोगे। हाथ पोछो, तौलिया में हाथ पोछो। ये मेरा तौलिया नहीं है। अच्छा वो मेरा तौलिया है। अच्छा ओ माय गॉड भूल गई थी, ये है निशु का तौलिया। सॉरी निशु सिर्फ अपने तौलिये में ही हाथ पोछता है। तो निशु का सब कुछ डिसाइड है। बताओ क्या कहते हैं कमल को? मैं अपने बल्लम को उतार और मैं अपने तौलिया को पोंछता हूँ हाथ। कंबल को क्या कहते हैं? बल्लम। बल्लम? हाँ बल्लम। कंबल को बल्लम कहते हैं? बल्लम। बल्लम को कल्लम कहता, कल्लम। बल्लम को कल्लम 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 कहता, कल्लम। हम लोग कंबल बोलते हैं, ये बल्लम बोलता है। बल्लम मतलब क्या होता है बताना फ्रेंड्स लोग। बल्लम मतलब तो बल्लम ही होता है। तो ये निशु का, एक मिनट दिखाने दो फ्रेंड्स लोग को। तो ये है निशु का चम्मच वाला चॉकलेट और ऐसे करके निशु इस चम्मच को खा जाएगा। दिखाओ फ्रेंड्स लोग को, ये देखो देख रहे हो काटा। तो ये आजकल ये चम्मच वाला चॉकलेट खाना सीख गया है और लंच का टाइम हो गया है, करेक्ट 2 बज गया है। तो आज जो है निशु की नींद ये लो कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज जो है निशु की नींद कंप्लीट नहीं हुई है, तो आई थिंक निशु अभी खाना खाते ही सो जाएगा। और तो मैं जिससे मिलने के लिए गई थी वो मुझे मिली नहीं है। मैं दे दो। अच्छा
तो मैं उनसे मिलने के लिए इतनी दूर गई थी, बट वो मुझसे मिली नहीं, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मेरी उनसे कॉल पे जब बात हुई तो एक्चुअली मैं उनको बिना कॉल किए निकल गई, ब्लॉगिंग के चक्कर में थी। और अच्छा, तो मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में थी, ब्लॉगिंग में बात करते करते मैं चली गई, और वहाँ पे बैंक जाके पता चला तो वो वहाँ पे थी नहीं। तो उनसे मेरी बात हुई है, वो घर पे आने के लिए बोल रही हैं। अगर मैं शाम तक घर पे हुई तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी, नहीं तो फिर देखती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। तो बहुत स्वीट है वो, और अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है कोटेक में, जो कि 1 लाख के ऊपर जो है आपको 6% ब्याज मिलता है, अदर बैंक जो है आपको 6% ब्याज कोई भी बैंक नहीं देता, और सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में ही है जो 6% ब्याज दे रहा है। तो मम्मा, यह है मेरा नींबू पानी, तो मुझे पेट में थोड़ी सी, हाँ बोलो, दूसरा पैसे दे दो, दूसरा यही पैसे, है, मुझे ये लो, यही मुझे कोल्ड ड्रिंक है बेटा। दूसरा पैसे। तो निशु को सरप्राइज देना पड़ेगा, 1 मिनट, मैं निशु को सरप्राइज ही दे देती हूँ। डिनर की जो तैयारी है मैं शाम को करूंगी, बेटा सुन लिया, रुक जाओ। तो डिनर की तैयारी जो है मैं शाम को ही करूंगी। तो मेरा अदर बैंक में अकाउंट था, बट मैंने क्लोज करवा दिया, बिकॉज इसलिए क्लोज करवा दिया कि जो आपका उन बैंकों का जो कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ बेनिफिट दिखे वहाँ पे अपना रुख मोड़ लेना चाहिए, इंसान को समय के साथ चलना चाहिए। तो अभी जो मुझे कुछ ऑप्शन कुछ दे ही नहीं रहा है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो मैं इसमें निशु का जो है 0% पे खुलेगा, और तो आई थिंक मैंने देखा तो खाना मेरा जो है रखा हुआ है, बट हम पेटीज खाने वाले हैं। ओ, मुझे ध्यान होता तो मैं सॉस और ले लेती, शिट। तो चलो हम फटाफट खा लेते हैं इसको, प्लेट में निकाल लेते हैं, और बिना सॉस का तो निशु खाएगा ही नहीं। तो मैं बातों बातों में एक्स्ट्रा सॉस लेना भूल गई, उसने सिर्फ एक ही सॉस दिया है, और ये पनीर पेटीज मुझे, अरे अरे निशु गिर जाएगा कोल्ड ड्रिंक, ओह शिट अभी तो गिर जाता। तो पनीर पेटीज जो है मेरा बहुत 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 फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। तो आज जो है मैं लाइव आई थी, बट कोई मुझसे लाइव कनेक्ट नहीं हुआ, ज़्यादा लोग ओनली 5 लोग्स कनेक्ट थे, तो मम्मा चॉकलेट, मैंने लाइव को जो है एंड कर दिया। और मेरा फेवरेट चाय का मम्मा फैन चॉकलेट, बिल्कुल फ्रेश, मैं रोड से जाके लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गलियों में जो शॉप है ना वो बिल्कुल फ्रेश नहीं देते, वो 4 4 दिन 5 5 दिन के दे देते हैं उठा के। मर्गी में तो बहुत भूख लगी है, तो आलू पेटीज खाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको मेरा फर्स्ट टाइम लाइव ब्लॉगिंग कैसा लगा। तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, अदर एप्लीकेशन पे तो मैं खूब लाइव जाती हूँ, बट उस पे तो मैं फर्स्ट टाइम लाइव गई मैं थी। मैंने 3 बार इसके नाम का चैनल क्रिएट किया, बट वो टाइफिस हो गया। तो अभी जब मैं रोड से आ रही थी तो मुझे एक आंटी अपने बेटे से बात कर रही थी, बहुत जोर जोर से मेरे को सुनाई दे रहा था। तो उनका बेटा जो है मुझे लाइन मार रहा था, तो आंटी ने बोला, अरे यार ये लड़की इतनी गोरी कैसे है? तो जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, मेरे को इतनी हंसी आई, मैं थोड़ा आगे आ गई थी। तो फिर मैंने उन आंटी को बोला, आंटी मैं बहुत सारा पाउडर लगाती हूँ।